मोबाइल वाला और जो हालात वेस्ट वाइल्ड डोडा डिस्ट्रिक्ट में बने हुए थे मंडी दिखा था जिसमें हमारे परिहार बंधु भी शहीद हुए थे उसके बाद चंद्रकांत जी शहीद हुए उसके बाद जो भद्रवाह में उन्होंने फिर प्लानिंग के तहत वहाँ माहौल को ख़राब करने की कोशिश की और प्रदेश भाजपा ने एक डेलीगेशन वहाँ भेजा था माननीय शमशेर सिंह जी मन्हास जी के नेतृत्व में जिसमें मैं था शक्ति जी थे अशोक कौर जी थे सुनील शर्मा जी थे हमने दो दिन का एक दिन भद्रवाह में रहे एक दिन किश्तवाड़ में रहे वहाँ कोई 20 एक डेलीगेशन मिले और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में मिलना हुआ तो सारी जानकारी आदरणीय शमशेर जी आपके बीच में रखी जैसा कि अभी हमारे महामंत्री डॉक्टर नरेंद्र जी ने आपको बताया हमारा एक डेलीगेशन भद्रवाह किश्तवाड़ के लिए गया आप सब जानते हैं कि 16 तारीख रात्रि को 2:30 बजे एक किलिंग हुई थी जिसके उपरांत वहां पे दूसरे दिन काफ़ी हल्ला हुआ कैमरा राइट्स करने की कोशिश की गई उसके बाद वातावरण इतना ख़राब हुआ कि वहां पे कर्फ्यू लगाना पड़ा और साथ में जिस प्रकार किश्तवाड़ की घटनाएं भी दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं आप सब जानते हैं हमने पहले भी जताया है गवर्नमेंट को उसी के अंतर्गत यह फैसला लिया गया था कि हम वहाँ जाकर जाएं और मौके पे बैठ पे और बैठ कर वहाँ का एक जायज़ा लें जायज़ा लेने के उपरांत जहाँ भी ये मैसेज कन्वे करना होगा जहाँ भी हमें देना होगा चाहे केंद्र सरकार को चाहे राज्य सरकार को वो कहेंगे इसे इस समस्या का समाधान करवाने का प्रयास किया जाएगा बंधु सर्वप्रथम मैं एक बात कहता हूँ वहाँ एक नाल्टी गांव है चौक है उसके बीच में ही एक छोटा सा गांव पड़ता है काच जो टोटल ऐसी बस्ती है 10-12 घर होंगे और सारे के सारे वो बीपीएल हैं इतने गरीब हैं जो अपनी यानी के गुजारा भी जो करते होंगे वो इनके अगर दिहाड़ीदार मजदूर होंगे तो वो बेचारे दिहाड़ी लगेगी तो वो खा पाएंगे अन्यथा रात को उनको खाने का भी नहीं मिलता वहाँ पे एक चौक है जिनके जिसको नायटी चौक कहा जाता है चंबा चौक कहा जाता है कसूली को रास्ता जाता है एक चंबा को जाता है वहाँ पे अक्सर सुनने को आया था बोवाइन स्मगलिंग और ड्रग्स की स्मगलिंग हमेशा भद्रवाह के लिए वहाँ से होती है वहाँ कई ग्रुप यानी कि इस प्रकार की स्मगलिंग करते हैं लेकिन वहाँ की सरकार वहाँ के एडमिशन जो है वहाँ की पुलिस जो है वो चुपचाप आँख मूंद कर देखती रहती है उसी का कारण था कि दो ग्रुपों में आपस में कहीं झगड़ा हुआ होगा और वहाँ यानी कि एक व्यक्ति जो है वह मारा गया और उस मरने के उपरांत वहाँ पे इस प्रकार का लिया गया कि व्यक्ति मुस्लिम था कि ये हिंदुओं ने मारा है जो ऐसा नहीं था क्योंकि दो ग्रुपों की आपस की लड़ाई थी और लड़ाई की वजह से यानी कि वो एक मारा गया एक जख्मी हुआ था और जो वो बताते हैं जिस प्रकार से यानी कि गोली लगने वो गोली ऊपर से आ ही नहीं सकती तो अपने मैंने कहा ऐसी बस्ती के जो लोग गरीब लोग हैं वो एक पहाड़ी पर रहते हैं ऊपर से अगर गोली भी चलाएं तो नीचे वहाँ गोली आ नहीं सकती इस प्रकार का वहाँ एरिया है लेकिन उसके बाद पूरे का पूरा भद्रवाह के कुछ लोग एक जुलूस बनकर उस हिस्से को गए और वहाँ पे उन्होंने तोड़ फोड़ करने के लिए जलाने के लिए प्रयास करने का प्रयास किया पुलिस ने क्या किया कि पूरे गांव को खाली करा के जंगल की ओर ले गए कि अच्छा ये पीछे से वो आ रहे हैं आपको जला देंगे आपको मार देंगे आपको तुरंत ले गए वो तो वहाँ से चले गए उसके बाद वापस उनको लाया गया और वहाँ पे 9 लोग 8 लोगों को उन्हीं गरीब लोगों को पकड़ा गया कि इस जो व्यक्ति मारा गया है आपकी वजह से मारा गया आपने मारा है जहाँ रात को पुलिस लेकर जाती है उनको बचा रही है तो दूसरे दिन कैसे उन पर शक होता है कि आपने मारा है इस प्रकार और सुबह इधर वहाँ पे एक यानी कि घोषणा होती है घोषणा करने के उपरांत हिंदू घरों की ओर प्लान किया जाता है और हिंदू घरों पर यानी कि जाकर एक मोटरसाइकिल टूट जाता तोड़ देते हैं कुछ गाड़ियाँ तोड़ देते हैं अंदर जाकर गेट के अंदर इस प्रकार का वातावरण बना हुआ था फिर वहाँ पर कर्फ्यू लगा कर्फ्यू लगने के बाद थोड़ा सा वातावरण शांत हुआ कर्फ्यू हो जाए जिसमें आर्मी के थ्रू
अगर आर्मी वहाँ पे नहीं आती तो ना जाने भद्रवाह में जिस प्रकार का माहौल पहले था पहले द्वारा बन जाता। हम वहाँ पे गए, ये सारी चीज़ें हमने नाइटी को भी देखा, चंबा चौक को भी देखा, और वहाँ के लगभग 7-8 प्रतिनिधि मंडल थे जिनसे हमें मिल रहा था। उन्हें विस्तार से हमें चर्चा करने के उपरांत लग रहा है कि ये जो सारा वातावरण है केवल लड़ाई का झगड़े का नहीं है, इसमें मिलतैसी जो पीछे खत्म हो चुकी थी, हम कहते हैं जीरो मिलतैसी हुई है, मिलतैसी द्वारा इनके अपना जन्म ले रही है, उसका कारण क्या है। उसके बाद दूसरे दिन हम किश्तवाड़ भी आए, किश्तवाड़ में हमें इनके प्रतिनिधि मंडलों से मिलना शुरू हुआ, यानी 1 नवंबर को अनिल परिहार और उसके भाई की डर हत्या कर दी गई थी, उसके बाद चंद्रकांत शर्मा जी की हत्या हुई थी। लगला कि ये रेस्ट बाई डोडा जो है रामबन से इनके कुछ ऐसे लोग जिन पे यानी कि शक किया जा सकता वो पकड़े गए थे, वो बाहर से थे, पाकिस्तान के थे। तो ऐसा लग रहा है कि रेस्ट बाई डोडा जो हम कहते हैं कि जीरो मिलिट्रेसी नहीं, क्योंकि साउथ कश्मीर को जिस प्रकार ट्राइड आर्मी ने किया हुआ है वहाँ फ्रस्ट्रेट होकर मिलिटेंट जो है वो सब और आ रही है, और इस वातावरण को द्वारा जो 93-94 में एक बार बना हुआ था जिस प्रकार का वातावरण वहाँ उस समय था कोई जा नहीं सकता था, जिस प्रकार के मिल ऐसी पूरे जोरों पर थी, ऐसा लग रहा है कि आज भी अगर एडमिनिस्ट्रेशन इसे संभालने का प्रयास ना करे तो द्वारा उसी सतह पर चली जाएगी और वहाँ पे कहीं ना कहीं हिंदू पलायन न कर। हम चाहते हैं कि हिंदू वहाँ पर रहे, वहाँ का समाज रहे, खुशहाल रहे, माता पिता रहे, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे अनदेखी की जाए। एडमिनिस्ट्रेशन जो है दोनों ही जिलों की, चाहे कठुआ हो, चाहे किश्तवाड़ हो, चाहे भद्रवाह हो, ये हमने देखा कि वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जिस प्रकार से कार्य करना चाहिए वो कार्य नहीं करता। वो कार्य ठीक प्रकार से करे तो ये सारी चीज़ें बंद हो सकती हैं। कहीं ना कहीं मिली वक्त है, कहीं ना कहीं उनके साजिश के शिकार है, उनको पता होता है, क्योंकि इतनी एजेंसीजें हैं और जैसी सारी खबरें उनको देती होंगी और देने के उपरांत भी वो सारे कार्य ठीक प्रकार से कर सकती हैं, वो नहीं कर रही हैं। इसलिए हम जिनके एडमिशन से भी ये डिमांड करते हैं कि वहाँ की जो एडमिशन है उसको ठीक करने का प्रयास किया जाए और वहाँ पे खासकर इस चेतावनी को जरूर समझें, इस चुनौती को जरूर समझने का प्रयास किया जाए कि ये मिलिटेंसी आराम से और छोटे स्तर पर नहीं होने वाली। आज भी बताया कि बहुत सारे मिलिटेंट ऐसे हैं जो पाकिस्तान के जो फॉरनर वहाँ पे हैं घूम रहे हैं, कुछ ऐसे लोग घूम रहे हैं जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और किश्तवाड़ में जंगल है एरिया और बीच में बहुत सारी केव्स हैं, इसलिए वहाँ पे अगर जाओगे देखोगे तो उन जगहों पे लोग रहते हैं, वहाँ जा नहीं सकता कोई भी, ना आर्मी जा सकती, आर्मी को अगर लगाया भी जाए आर्मी अकेले नहीं जा सकती, जब तक सोर्सेज नहीं। तो वहाँ के लोगों ने डिमांड की हुई है कि खासकर इस एरिया में सबसे पहले कि BDCs को स्ट्रेंथन किया जाए। अगर वहाँ के मिल कैसी कर्ब हुई थी तो उसका कारण एक ही था कि यानी कि SPG अपनी BDC थी बहुत मजबूत थी, सशक्त थी, उसको द्वारा रिवाइव किया जाए, वहाँ पे नए लोगों को बने के सोर्सेज बने जो वहाँ के वातावरण को टोपोग्राफी को जानते हों, ऐसे लोगों को भर्ती करके वहाँ पे उनको आगे लाना चाहिए। दूसरा सर्च ऑपरेशन ग्रुप होते हैं SOG जिसको कहा जाता है, वो भी जिनके पुलिस की ओर से जैसे पीछे था उसको द्वारा करने का प्रयास किया जाए ताकि वो भी अपने काम जो है वो ठीक और इंडिपेंडेंटली करने का प्रयास करें ताकि ऐसे लोगों की पकड़ दकड़ हो, ऐसे लोगों की छानबीन हो और छानबीन करने के उपरांत सारी चीज़ें ठीक करने का प्रयास किया जाए। और तीसरा कि वहाँ पे लोग बहुत सहमे हुए हैं, हम भी इतने डरे हुए हैं, इतने सहमे हुए हैं, वो कहते हैं कि अगर ऐसा ही रहा तो कुछ दिनों में ऐसा प्लान करने की बारी ना आ जाए, वो प्लान ना करें। एडमिनिस्ट्रेशन को हम चेताना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहते हैं, और हम अपनी ओर से अब केंद्र में परसों सरकार काल 2-4 दिनों में सरकार बन जाएगी, हम केंद्र से भी मिलेंगे, प्रदेश सरकार को भी आगाह करेंगे कि इस सारे वातावरण को ठीक किया जाए और खासकर इस चुनौती को समझने का प्रयास करें, जिस प्रकार का वातावरण बन रहा है उस वातावरण को ठीक द्वारा उसी जीरो मिनट ऐसी जिस पर हम कहते हैं, जिनके बीच में 10-12 सालों में उन्होंने छोड़ ही दिया था, जैसे सच ऑपरेशन ग्रुप था, BDC थी, बाकी थी बंक, और खासकर तीसरा उन्होंने कहा कि कुछ जगहों पे बंकर लगाने चाहिए, और बंकर जो है वो लगाए जहाँ पे टिकट लगी होगी वहाँ पे जो घूमना फिरना मुश्किल हो जाता है मिलिटेंट के लिए, अंतर्राष्ट्रीय अभियान शुरू हो जाते हैं,
तो इसलिए बंकर भी हटाए गए थे, उनको दोबारा रिवाइव किया जाए और मैक्सिमम बैंकर लगाने की कोशिश की जाए। इन सब चीज़ों का अगर ठीक किया जाएगा तो वहाँ का वातावरण जो है वो ठीक हो सकता है। अदरवाइज वातावरण जिस प्रकार से बन रहा है मिल कैंसी द्वारा उसी स्तर पर चल जाएगी और वहाँ के लोग किस प्रकार के वहाँ रह पाएंगे ये कहना मुश्किल है। और इसीलिए हमने तीन दिन का दौरा, दो दिन का दौरा करने के उपरांत सारी जायजा लेने के बाद आपसे हम चाहते थे कि एक बार रूबरू हो जाए ताकि आपको भी बताया जाए और बाकी स्थानों पर जहाँ जहाँ बताना होगा, जहाँ कहना होगा, हम करने कहने का प्रयास करें। मना साहब, क्या लगता है आपको जिस तरह से किसको ये जो इंसिडेंट हुआ, तो आपने जिस तरह से कहा कि वो एक जो दलित उन पर एक आरोप लगाया, तो आपको क्या लगता है कि ये एक सांप्रदायिक रंग भड़काने की कोशिश है, या जैसे आपने खुद भी कहा कि हिंदुओं का पलायन की ये बात की जा रही है, मतलब उस तरह से एक माहौल बनाया जा रहा है, आपको क्या लगता है कौन लोग जो हैं वो इस तरह की जो साजिश कर रहे हैं? देखो, वहाँ पे एक सोची सची समझी साजिश के तहत ये सारी चीज़ें हो रही हैं, बिल्कुल प्लानिंग की जाती है कि क्या किया जाए क्या नहीं करना चाहिए, और इस प्रकार की प्लानिंग जो है वो खतरनाक रहती है। हम चाहते हैं वहाँ भाईचारा बढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं कि सारे के सारे लोग एक जैसे होते, हर कम्युनिटी में हर एक जैसे नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं हमारे साथ भी थे, हम भी उनके साथ घूमने हमारे मीटिंगों में आए, हमारे साथ मिलना होगा बहुत सारे लोगों ने, लेकिन कुछ ऐसा जिनके अनासर होता है जो शरारती होता है, शरीर होता है, वो ऐसा प्रयास करने का प्रयास करते हैं, तो इसलिए ये सोची समझी शायद इसमें तैयार ही सारी चीज़ें एडमिशन का। तो जिस प्रकार से वातावरण बना और कम से कम तीन चार घंटे कर्फ्यू बाद में लगा, अगर ठीक हो समय लग जाता तो ऐसा ना होता, तो इसका मतलब ये मानना चाहिए कि एडमिशन में जिस प्रकार उसको कवर करना चाहिए नहीं कर पाए तो फेलियर ही मानना चाहिए। सर, परिहार ब्रदर्स और चंद्रकांत की अभी तक पता नहीं चल पाया कि उनको किसने मारा है, तो क्या इन्वेस्टिगेशन जारी है, सबूत आए, कोई पता चला किसने मारा? अभी तक किसी के पास कोई सबूत नहीं आया, कह रहे हैं कि कुछ लोगों पर हम शक है, वो हम दौड़ रहे हैं भाग रहे हैं, कुछ मिलना हो रहा है, चार पांच लोगों के नाम आए हैं लेकिन वो मिल नहीं रहे, तो ऐसा लग रहा है कि भाई तभी तो हम कह रहे हैं कि वहाँ की एडमिशन जिस प्रकार से कार्य करना चाहिए वो कार्य में नाकाम रही है। सर, शक के तौर पर जिन लोगों के नाम आया, चार पाँच लोगों के, उनको गिरफ्तार तो अभी तक नहीं, वो है ही नहीं वहाँ पर, उन घरों में छापा मारा गया, उन घरों को देखने का प्रयास किया गया, वो वहाँ पर नहीं है, ऐसा वो बता दें, वहाँ के एडमिशन से मिलना होगा, वो कह रहे हैं हम गए बार बार जा रहे हैं वहाँ पे, कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे हैं नहीं, वो कहाँ चले गए, क्योंकि मैंने कहा कि वहाँ का इस चीज़ का डेरिन है, जंगल है और केव्स है, बहुत बहुत लंबी केव्स है, कहाँ छुप जाता है कोई पता नहीं चलता, तो इसलिए थोड़ा एरिया जो है टफ है। आपको सर, आपको लगता है कि जैसे कश्मीर में भड़काया जा रहा है, कश्मीर में अलगाववादी हैं या और कुछ नेता जो लोकल हैं वहाँ पर भड़काते हैं, आपको लगता है कि वही लोग जो हैं वही नेता या वही अलगाववादी सोच के लोग अवश्य मैं ये मानकर चलता हूँ कि ऐसे ही लोग जो है वहाँ पे अगर वातावरण कश्मीर में खराब किए तो जहाँ का वातावरण खराब होने के पीछे लगे हुए हैं, ये बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे सहमत हूँ कि वो करना चाहते हैं। देखो, एक और मैं बता था आपको कहना चाहता हूँ, हमारे यानी कि कुछ नेता ऐसे नेता हैं जो घर में बैठ कर बयान देते हैं, वहाँ की असलियत को नहीं जानते, वहाँ के वातावरण को नहीं जानते। बहुत सारे नेताओं ने बयान दिया ये क्रिमिनल राइट्स हो रहे हैं, वहाँ हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, वो वहाँ पे जाके यहाँ देखें, ऐसे बयानबाजी बन के बंद करें ताकि ऐसे समय में बयान देना कोई इस प्रकार को बयान देना ठीक नहीं है, इससे वातावरण जो है वो दूषित होगा। क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने सीधा कहा था कि गौरक्षक है, उन्होंने इस तरह से मैं पूछता हूँ कि गौरक्षक है कहाँ पर, उनको मिले से कोई नाम ले लेना उससे तो नहीं बात बनेगी। मैंने कहा कि वो 10-12 लोग जो जिस प्रकार से गरीब बीपीएल जो से रहे हैं, और 70 साल के जो 8 लोग पकड़े हैं उनमें 3 लोग तो 70 साल के हैं, वो क्या करेंगे आप बताइए। ढाई बजे इंसिडेंट हो रहा है और 5 बजे दुकानें लूटने शुरू कर देते हैं और 400-500 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, प्लानिंग के साथ।